और माँ की भक्ति करने के लिए देखिए दूर दूर से लोग आए हैं। माँ का सभी की मनोकामना पूरी करें, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पुनः सर्वप्रथम देखिए आ गए हैं गणेशपुर गांव, जो कि सुजानगंज थाना के अंतर्गत यह देखिए गांव पड़ता है गणेशपुर गांव। वहां पर आज हम पुनः आ चुके हैं। पीछे देख सकते हैं माँ का दरबार काफी विहंगम रूप लिए हुई है माँ विंध्यवासिनी जी। तो हम आपको पहले दर्शन कराते हैं माँ का। तो देख सकते हैं भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पे लगी हुई, भक्तों का कतार देखिए लगा हुआ है। तो देख सकते हैं दूर दूर से भक्त लोग आए हुए हैं दर्शन करने माँ का। अभी हम आगे चल के दिखाते हैं, माँ का दर्शन कराते हैं आपको। देखते हैं लगातार माँ के दर्शन के लिए यहाँ पे भक्त लोग आ गए हैं। और ये देखिए वही माँ का रूप देखिए लिए हुए हैं। वो सामने नीम का पेड़ है, देखिए आप देख सकते हैं ये माँ का नीम का पेड़ है। और सामने देखिए माँ का रूप आप देख सकते हैं। और काफी ज्यादा देखिए यहाँ पर भक्त लोग दूर दूर से आए हुए हैं। और गोरखनाथ जी देखिए विधायक और भक्ति देवी गीत गायक आए हुए हैं। और देख सकते हैं दूर दूर से देखिए काफी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर देखिए दर्शन के लिए। और भक्तों का भीड़ भी यहाँ पे देखिए लगातार, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और लगातार यहाँ पर दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कोई आजमगढ़ से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई जौनपुर शहर से आ रहा है। फिलहाल ये जौनपुर के अंतर्गत में आता है, सुजानगंज अंतर्गत गणेशपुर गांव। तो चलिए फिलहाल अभी हम चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। और फिलहाल देखिए गा रहे हैं गोरखनाथ जी, काफी बढ़िया भजन गाते हैं ये, देख सकते हैं यहाँ पर माँ का भजन गा रहे हैं। हमारे न्यूज के पत्रकार जो कपड़े, तो साथ ही बताना चाहेंगे कि स्वागत है भैया के दरबार में। और लाइन है क्या, गणेश हम देख सकते हैं और दोनों हाथ कम से कम पता। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर टेंट पूरा लगा दिया गया है। और देखिए माताएं बहने गांव की दूर दूर से आई गई है। कितने लोग दर्शन पाए हैं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बताएं क्या बात है। पत्रकार देख सकते हैं काफी भीड़ वहाँ पर। आप खुश नसीब है ये हमारे पास फोन किए, बोले कि हमें आने के बाद। तो पत्रकार जी का भी माँ काफी दूर दूर से यहाँ पे देखिए दर्शन के लिए। और पत्रकार भाई लोग भी आए हैं। फिलहाल जय देख सकते हैं देवी माँ की सवारी वहाँ पे, देखिए माता जी को आ गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार देखिए माँ की सवारी यहाँ पर अधिकतर माताओं को यहाँ पर आ रही है। और दूर दूर से काफी संख्या में देखिए लगातार भीड़ आ रही है। और देखिए वहाँ पर माँ की सवारी आ चुकी है। और देख सकते हैं तो बताना चाहेंगे टेंट उन काफी लग गया है, यही पुराना घर था। और देख सकते हैं वही चक रोड है, उधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता। फिलहाल देख सकते हैं इधर दुकानें लगा दी गई है। तो पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, पिछले वीडियो में दुकानें कम लगी थी, तो यहाँ पर दुकानें काफी संख्या में लग चुकी है।
और वो देखिए आगे भी दुकानें लगी हैं और इधर सामने सीधे भी दुकानें काफी ज्यादा, मतलब यहाँ पे दुकानें लग चुकी हैं। गणेशपुर गांव वाली महारानी सभी का कल्याण करे, सभी की रक्षा करे। और माँ विंध्यवासिनी यहाँ पर साक्षात आई है, देख सकते हैं बैनर लगा दिया गया है। देखिए माँ विंध्यवासिनी की है और ये गणेशपुर वाली महारानी है, गणेशपुर वाली महारानी। तो फिलहाल देख सकते हैं वहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा है और गोरखनाथ जी भजन गा रहे हैं देवी जी का। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं और सुनाते हैं गोरखनाथ जी का भजन। मेरे पास तमाम फोन आने लगे कि ये भाई मैटरवा सही है क्या झूठ है। हम कहे भैया जाखो राखी साइया मार सके ना कोई, आप खुश नसीब है जितने कैमरामैन भैया कवरेज कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनों को कवरेज करें क्योंकि ये मेरे घर की शान है। और जितने लोग ताली ऊपर करके बजाएंगे उनका भी आएगा फोटो में। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पे माताएं बहने आई हुई है, माँ का दर्शन करने के लिए लगातार है यहाँ पे आई हुई है। जौनपुर प्रेम से बोलिए माता रानी, प्रेम से बोली जगत की जननी महारानी। तो आप देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ है इस गणेशपुर गांव में मां के दर्शन करने के लिए। नवरात्रि का दूसरा दिन है और भीड़ देख सकते हैं काफी संख्या में यहां पे है, माताओं बहनों का और साथियों का। देखिए काफी संख्या में भीड़ है, भक्तों का भीड़ लगा हुआ है। फिलहाल देख सकते हैं गोरख यादव जी माता रानी के दरबार में अपना नृत्य कर रहे हैं, नृत्य दिखा रहे हैं और काफी बढ़िया नृत्य करते हैं ये गोरख भाई जी और इनका नृत्य बहुत अच्छा लगता है। चाहेंगे माता रानी दरबार में सभी लोग झूम रहे हैं, पूरा एकदम आनंद उठा रहे हैं। माँ की भक्ति करने के लिए देखिए दूर दूर से लोग आए हैं, माँ का सभी की मनोकामना पूरी करें ऐसी हमारी कामना है। नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ की भक्ति के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं, दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और गोरख यादव जी यहाँ पर माँ के चरणों में नृत्य कर रहे हैं भजन के साथ। तो आप लोग जरूर आइए यहाँ पर दर्शन करिए माँ का और माँ का चरणों में शीश नवाइए ऐसी हमारी कामना है।